किसान साथियों, निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि बकरी के जो फेफड़े हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। इसीलिए इसे कई जगह पर फेफड़े का रोग भी कहा जाता है। नमस्कार किसान साथियों, मैं अश्विनी कुशवाहा, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या उत्तर प्रदेश से कृषि जागरण के यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट में आपका स्वागत करता हूँ। किसान साथियों, आज हम आपको बताएंगे बकरियों में एक प्रमुख रोग है जो निमोनिया है, उसके बारे में हम उसका कैसे नियंत्रण करें तथा उनके बचाव के लिए हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, इन सब के बारे में हम आपको विस्तृत बताएंगे। जो किसान भाई बकरी पालन तथा भेड़ पालन करते हैं उनमें यह बीमारी मुख्यतः देखने को मिलती है। यह बीमारी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बकरियों के बच्चे रहते हैं अर्थात जिन्हें मेमना कहते हैं उनमें देखने को हमें मिलती है। इस बीमारी के होने से जो हमारे मेमने तथा जो हमारी बकरियां हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे कि जो हमारे बकरी पालक हैं या भेड़ पालक हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, जिससे के कारण यह बहुत घातक बीमारी भी मानी जाती है। किसान साथियों, निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि बकरी के जो फेफड़े हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। इसीलिए इसे कई जगह पर जो स्थान है उनमें इसे फेफड़े का रोग भी कहा जाता है, जिसके कारण कि यह होता है कि जो हमारे बकरियां तथा भेड़ के जो मृत्यु दर है वो ज़्यादा हो जाती है। भेड़ बकरियों में यह रोग होने पर आपको भेड़ बकरियों में आप देखें तो आपको निम्न लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि हैं बकरी का कमज़ोर हो जाना व सुस्त हो जाना, बकरी को तेज बुखार आएगा, नाक से पानी आएगा तथा बकरी खाना पीना कम कर देगी। यह रोग सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में होता है, तो यह सब लक्षण आपको जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनमें आसानी से आपको दिख जाएंगे। जैसा कि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखना चाहेंगे कि देख लीजिए इस बकरी में जो है कैसे करके पानी आ रहा है, तो ये हमारे इसमें कुछ सिम्टम्स इसको दिखाई दे रहे हैं। हमारा जो पशु है अगर छींकता है या जो सूंघता है उसकी वजह से जो हमारे स्वस्थ पशु होते हैं उनमें भी यह रोग हो जाता है। इससे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे ग्रसित पशु हैं उनको निकाल कर किसी दूसरे में स्थान पर रख देना चाहिए और जो हमारे ग्रसित पशु हैं उनको अलग रखना चाहिए। साथ ही हमारे जो स्वस्थ पशु हैं उनको संतुलित आहार देना चाहिए, जिससे कि जो उनका है रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ सके। साथ ही साथ जो हमारा हम उसके नीचे जो बिछावन यूज करते हैं अगर ज़्यादा गीला हो जाए तो उसको भी हमें समय समय पर बदलता रहना चाहिए। साथ ही किसान भाइयों को एक बात ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो हमारी बकरी है वो चढ़ने वाली जानवर है तो इसे बांध कर तो खिलाया नहीं जा सकता, तो इसके लिए आप इसको एक बात का ध्यान रखें कि इसके जो चराने का समय है, जैसे कि आप अगर सुबह जल्दी छोड़ते हैं तो इसे जल्दी ना ले जाएं, थोड़ा लेट छोड़ें जिससे कि अच्छी धूप निकल आए, उसके बाद आप इसको चराने के लिए जाएं तो भी आपको इस रोग से काफ़ी हद तक सुधार होगा। साथ ही किसान भाइयों, कभी कभी इस रोग में पशुओं का गला सूज जाता है, जिससे कि पशु जो हमारा है उसका हफने लगता है, आपको देखेगा कि बहुत तेज़ी सांस लेता है ये। इसके नियंत्रण के लिए जो आप दवा है उसमें ब्रांकोडाइलेटर का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप किसी भी एक एंटीबायोटिक का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो आपके कुछ आयुर्वेदिक उपचार हैं उनको भी कर सकते हैं, जैसे कि आप हम आपको बता दें कि मिनरल मिक्सर है वो आप दे सकते हैं इसको, तथा जो हमारे मेथी के दाने रहते हैं उनको आप इनको खिला सकते हैं, साथ ही आप इनको गुड़ खिला सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप घरेलू उपचार करके भी इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारे पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ किसान भाइयों को एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे ये पशु हैं इनको रखा हुआ पानी ना पिलाएं, जहाँ तक हो सके इनको अगर हो सके तो गर्म पानी पिलाएं, नहीं तो आप जो हमारा ताज़ा पानी रहता है वही इनको पिलाएं, तो भी इन रोग से हम काफ़ी हद तक इसमें सुधार कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, जो हमारे छोटे छोटे बड़े बच्चे हैं उनका समय समय पर टीकाकरण करवाते रहना चाहिए, जिससे कि जो हमारे पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें सुधार होता रहेगा। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ जो आपके भाई किसान भाइयों के ग्रुप हैं उसमें शेयर करें। ऐसी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें, वहीं पर लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो हमारे वीडियो की नई नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। धन्यवाद।